जनपद गोंडा में तथाकथित फर्जी पत्रकार की गैंग सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने से मांगी रंगदारी। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अहमद सिद्दीकी ने तथाकथित पत्रकार गैंग के ऊपर लगाया गंभीर आरोप। जैसे आपने सर क्या कहा कि आप ही बताएं आपका नाम क्या है? नाम इसलिए जानना चाहता हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा भाई, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है मुझे बताइए। क्यों रखूं वीडियो बताइए, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपना नाम बताइए, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। आप एक सर्जन से बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर, आप एक सर्जन से बात कर रहे हैं, आप पहले बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर हमारी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, पता है सर, हमने आपको बता भी दिया क्या है। आप रिकॉर्ड करने में क्यों तुले हैं? मैं तुला हूं सर, आपने, जरूरी है सर, आप गुस्सा क्यों रहे? जब गुस्सा जो आप जो आपका रिपोर्ट लिखा गया है सर, जैसे आपने जो रिपोर्ट में आया है 420 आप हैं, कुछ भी लिखवाया उन्होंने, तो सर मतलब अगर मैं गलत ऑपरेशन मान ली, अगर मेरा ऑपरेशन नेग्लिजेंस हो गया सर, ये बताइए पहले मेरी बात सुनिए, आपको कितना पता मेडिकल का? मैं बता रहा हूं, पुलिस बिना सत्य जाने FIR आपके ऊपर लॉज कर दी, जब पुलिस आपको बयान लेके तो जब पुलिस FIR, मेरी बात सुनिए, जब पुलिस ने FIR लॉज की हुई है तो फिर आप क्या ट्रायल कर रहे हैं? कोतवाली में आपको बुलाएगा तो आप साक्ष्य नहीं दे पाए कि मेरे ऊपर लगा के आरोप असत्य है। आप किस बात के ट्रायल लेने, आप किस बात का बयान ले रहे हैं ये बताइए। मैं बयान लेने आपका पक्ष जानने आया था, मेरे यहाँ कुछ लोग पत्रकार जो है, मेरा नाम डॉक्टर अहमद सिद्दीकी है, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे यहाँ कुछ पत्रकार अजद आरिफ खान तथा दो अन्य व्यक्ति एक महीने पहले 15 दिन पहले करीब मेरे पास आए थे, 15-20 दिन पहले उन्होंने जो है एक फेक मेरे पास जो है मुझसे रंगदारी मांगने लगे कि आप दीजिए आपका रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा कि भाई मैं पैसा वैसा आपको नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे कोई नोटिस दिखाया, मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं जो है अभी शेयर करूंगा। मैंने उनको पैसा नहीं दिया तो उन्होंने मेरे नाम से गलत उल्टी सीधे आपको वो कराते हुए और हमें बदनाम किया, मेरे अस्पताल को बदनाम किया। जब इससे उनका पेट नहीं भरा, क्योंकि मैं सच्चाई पे हूं, तो उन्होंने फिर ये मुझे नोटिस भेजा, इसमें साढ़े मेरे ही अस्पताल में आके मुझे ही वो परेशान कर रहे हैं, फिर मुझसे ही 4.5 लाख रुपये का नोटिस, कहा कि 4.5 लाख रुपया दीजिए। ये कोई वकील साहब हैं, उन्होंने जो है वो नोटिस भेजा मुझे, और उसके बाद मैं बहुत काफी मानसिक आहत हूं। मैं चाहता हूं प्रशासन से, मेरी विनती है कि मुझे इस बारे में न्याय दिया जाए। हम लोग शरीफ लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें ईमानदारी से काम करने का। धन्यवाद।